एक बेहद मज़े का कलरफुल एपेटाइजिंग और बेहद टेम्पटिंग प्लेटर आपके सामने मौजूद है। जी हाँ, ये मिक्स्ड वेजिटेबल का मज़ेदार प्लेटर है। ये वही वेजिटेबल्स हैं जो कि रूटीन में तकरीबन हर घर में बनाई जाती हैं और बेहद शौक़ से खाई भी जाती हैं, लेकिन आज हम इन वेजिटेबल्स को कुछ डिफरेंट वे में तैयार करेंगे। हम इन्हें बनाएंगे अचारी मसाला जात के साथ और थोड़े से लेमन जूस का एडिशन करेंगे। साथ ही हम एडिशन करेंगे होम मेड वेजिटेबल मसाला का। इस सारे एडिशन के बाद जो मिक्स्ड वेजिटेबल तैयार होगी वो बेहद न्यूट्रिशियस होगी, डिलिशियस होगी, ऑर्गेनिक होगी, एरोमेटिक होगी और बेहद स्पाइसी भी होगी। तो अगर आप भी चटपटा और स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो हमारे साथ रहिए, हमारी डायरेक्शंस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और उन्हें फॉलो करते हुए ऐसा ही मज़े का मिक्स्ड अचारी वेजिटेबल्स का प्लेटर घर पे तैयार कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बेहद मज़े की वेजिटेबल रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मिक्स वेजिटेबल्स जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, आपके सामने ग्रीन पीस मौजूद हैं, पोटैटोज़ मौजूद हैं और कैरेट्स मौजूद हैं। आलू, मटर, गाजर के इस्तेमाल से हम अपनी सब्ज़ी को बनाएंगे और इसके अंदर हम अचारी मसालों का इस्तेमाल करेंगे। हमारी ये अचारी और अचार के जायके वाली वेजिटेबल होगी, बेहद मज़े की होगी, जिसमें लेमन की खटास भी शामिल होगी और उसके अलावा जो है वो अचारी मसाले जो हैं इसकी खुशबू को बढ़ाएंगे। तो बेहद मज़े की रेसिपी है, हमारे साथ रहिएगा और हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा। इस वेजिटेबल को बनाने के लिए जिन हरे मसालों का हम इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल सादा से मसाला जाते हैं, वही बेसिक मसाला जाते हैं जिनका इस्तेमाल हम हर पाकिस्तानी खाने में या एशियन खाने में करते हैं। हमें इसके लिए अनियन चाहिए, एक दरमियाने साइज़ की प्याज हमने ली है जिसको हम चॉप करके इस्तेमाल करेंगे। चंद क्लोव्स हमें लहसुन के चाहिए, थोड़ा सा गार्लिक हम चॉप करके इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। एक मैंने दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया है, रेड टमाटो। उसके अलावा लेमन जूस हमें चाहिए तो लेमन का इस्तेमाल होगा और अदरक का एक छोटा टुकड़ा और हरी मिर्च और हरा धनिया। बिल्कुल बेसिक से मसाले हैं जिनके लिए आपको कोई स्पेसिफिक ग्रॉसरी करने की ज़रूरत नहीं। तो बहुत ही इकोनॉमिकल है, बहुत सादा है, लेकिन खाने में लज्जत से भरपूर है। जो स्पाइसेस हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं अपनी इस मिक्स वेजिटेबल में वो बहुत सादा से हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, गर्म मसाला पाउडर तो हम इस्तेमाल करेंगे ही और पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ हम अचारी मसालों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने होम मेड वेजिटेबल मसाले का 1 टेबलस्पून भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। साबुत मसाला जात में हमारे पास मौजूद हैं कोरिएंडर सीड्स यानी कि साबुत धनिया, क्यूमिन सीड्स हैं, सफ़ेद ज़ीरा, उसके अलावा फेनल सीड्स हैं, साबुत सौंफ और निकला सीड्स हैं जिन्हें आप ब्लैक सीड्स भी कहते हैं यानी कि कलौंजी। उसके अलावा राई दाना है, मस्टर्ड सीड्स और फेनुग्रीक सीड्स हैं, मेथी दाना। होल ब्लैक पेपर है, साबुत काली मिर्च और रेड बटन चिलीज़ हैं और उसके अलावा हम चिकन स्टॉक क्यूब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो इन्हें चिकन पाउडर के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। 1/4 कप कुकिंग ऑयल लिया है, उसमें अपने चॉप्ड अनियन को हमने हल्का सा सॉटे कर लिया। थोड़ा सा सॉटे हो गया तो इसके अंदर हम इसी स्टेज पे अपना चॉप्ड गार्लिक ऐड कर रहे हैं और चॉप्ड गार्लिक के साथ ही अब चॉप्ड जिंजर ऐड कर रहे हैं। इसको हम 1.5 से 2 मिनट के लिए फर्दर फ्राई करेंगे। हमारे हरे मसाले फ्राई हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे इसके अंदर हम पहले ऐड कर रहे हैं 1 खाने का चम्मच मेथी दाना, 1 खाने का चम्मच ही हमारे पास राई दाना है, 1 चाय का चम्मच कलौंजी है, 1 चाय का चम्मच सौंफ है साबुत। उसके अलावा जो है वो बटन चिलीज है, साबुत ज़ीरा है, साबुत धनिया है, और साबुत काली मिर्च है तकरीबन आधा चाय का चम्मच। जो चिकन स्टॉक क्यूब्स हैं तो हमने 1.5 से 2 मिनट के लिए मीडियम हीट पे फ्राई करना है। उसके बाद इसके अंदर हम अपनी सारी मिक्स वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐड कर देंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने इसके अंदर अचारी मसालों को फ्राई कर लिया। अब इस स्टेज पे अपनी वेजिटेबल्स के अंदर ऐड करेंगे। गाजर ऐड कर रहे हैं, मटर ऐड कर रहे हैं, आलू ऐड कर रहे हैं। सारी वेजिटेबल स्टेज पे इसके अंदर ऐड करके 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। अब इस स्टेज पे इसके अंदर पाउडर मसाले ऐड करने की बारी है। 1/4 टीस्पून जो है वो नमक ऐड कर रहे हैं, क्योंकि नमक हमारे चिकन क्यूब्स के अंदर भी है। उसके अलावा एक खाने का चमचा होममेड वेजिटेबल मसाले का ऐड कर रहे हैं, हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं, गर्म मसाला पाउडर ऐड कर रहे हैं 1/4 टीस्पून। 3 से 4 मिनट के लिए हमने फ्राई किया है, फर्दर इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करें। पाउडर मसालों को 1 से 1.5 मिनट फ्राई करने के बाद आपने बिल्कुल फ्लेम को लो कर देना और ढक्कन लगा के रख देना ताकि स्टीम में आपकी वेजिटेबल गल जाए। अगर आपको लगे कि वेजिटेबल रेफ्रिजरेटेड या फ्रोज़न है और वो थोड़ी हार्ड है तो इसके अंदर थोड़ी सी चिकन की यखनी या थोड़ा सा गर्म पानी तकरीबन 1/4 कप आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ वेजिटेबल अगर फ्रेश हो तो वो अपनी ही स्टीम में जो है गल जाती है। तो अभी इसको फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए ढक्कन लगा के वेजिटेबल को गलने देंगे। हमारी अचारी वेजिटेबल बिल्कुल तैयार है। अब इस स्टेज पे हमने इसके अंदर ऐड करना है 1 खाने का चम्मच लेमन जूस और थोड़ा सा गर्म मसाला स्प्रिंकल करेंगे, हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड करेंगे और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। वेजिटेबल बिल्कुल तैयार है, बेहद एरोमेटिक है, बहुत खुशबूदार है और डिलीशियस तो है ही। हमारी बेहद मज़े की मिक्स अचारी वेजिटेबल आपके सामने बिल्कुल तैयार है। हमने गार्निशिंग के लिए लेमन का इस्तेमाल किया है, लेमन के स्लाइसेस यूज़ किए हैं, ग्रीन चिलीज़ यूज़ की हैं और हरे धनिए के पत्तों का इस्तेमाल किया है। उसके अलावा इसके मसालों की खुशबू और जायके को बढ़ाने के लिए इसके अंदर लेमन जूस का इस्तेमाल भी हुआ है। तो बेहद एरोमेटिक है, बेहद मज़े की है। पराठे, पूरी और चपाती के साथ बहुत मज़े की लगती है, बॉयल्ड राइस के साथ बहुत मज़े की लगती है और अगर आप जो है वो इसके साथ फ्राइड गार्लिक राइस तो उसके साथ भी बेहद मज़े की लगेगी। तो इसको बनाएं, इंजॉय करें, हमें फीडबैक दें और दुआओं में याद रखें।